देवी मां के भजनों को अपनी आवाज देने वाले प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन हो गया है। 80 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से काफी बीमार चल रहे थे। भजन सम्राट नरेंद्र चंचल माता के बड़े भक्त थे और उन्होंने देवी के कई भजनों को अपनी आवाज दी थी। उनके प्रसिद्ध भजनों में चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है और ऊंचा है मां का दरबार शामिल है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल ने बताया कि दोपहर करीब 12:15 पर उनका निधन हुआ। अपोलो अस्पताल में पिछले 3 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। नरेंद्र चंचल ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी और इस क्षेत्र में काफी नाम कमाया था। इसके साथ ही लोक संगीत में भी उनको महारत हासिल थी और अपने फन से दर्शकों का दिल जीत लेते थे। भजन गायन की शिक्षा उनको अपने घर से मिली थी। नरेंद्र चंचल की माँ कैलाशवती घर में सुमधुर भजन गाती थी। माँ के गायन से प्रभावित होकर उनके दिल में भी भजन गाने की इच्छा हुई और उन्होंने अपनी माँ को पहला गुरु बनाया। उसके बाद चंचल ने प्रेम त्रिखा से संगीत सीखा और वह भजन गायकी के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम बन गए। नरेंद्र चंचल लंबे समय से लगातार माता वैष्णो देवी के दरबार में आयोजित होने वाली वार्षिक जागरण में हिस्सा लेते थे। फिल्म बॉबी और आशा में भी उन्होंने अपनी आवाज दी थी और भजन गाए थे। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।